अब दुनिया के बड़े प्लेयर्स क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग? पाकिस्तान की टीम फाइनल खेल रही है, पाकिस्तान के क्रिकेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। आपको क्या लगता है PSL और IPL में कौन सी लीग ज़्यादा बेटर है, किन किन मामलों में बेटर है, किस किस चीज़ में बेटर है? आपको क्या लगता है वो तो बताना ही, मैं देखूंगा इंडियन मीडिया क्या कहती है इस बारे में। विक्रांत गुप्ता क्लेम्स PSL इज़ बेटर देन IPL, रियली इंडियन लोग ऐसा बोल रहे हैं? देखते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन इस मामले पर, और मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो के एंड में दूंगा कि मुझे क्या लगता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सामने क्रम दुनिया क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का राज है, और इस लीग के खत्म होने के बाद IPL नहीं शुरू होना है और फिर उसकी धूम मचानी है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया क्रिकेट में इन दो लीग्स को सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाता है। IPL की चकाचूंध, बेबाक पैसा बहाकर प्लेयर्स की फैंटेसीज को हकीकत का रूप धारना, ये सब कुछ IPL का खासा है, और इसलिए अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है वो इदारा। दूसरा, भारत में ऑडियंस भी बहुत है, इस वजह से उसे किसी भी तौर पर हम नाकाम लीग तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात की जाए तो हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग IPL से कहीं ज्यादा ऊपर रही है। अब चूंकि IPL और PSL के सीजन का आगाज हुआ चाहता है, इसलिए दुनिया भर में एक बार फिर इन दो लीग्स, क्योंकि ये दो टॉप की लीग्स हैं, इनका मवाजना शुरू हो चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान की PSL ने जबरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए, उसकी मिसालें अब दुनिया भर के सहाफी और एनालिस्ट देख कर ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग अगर क्रिकेट को देखा जाए तो बेहतर है, जबकि अगर पैसे की रेल पेल और खिलाड़ियों को खुश करना हो तो फिर IPL बेहतर है। अब बात हो रही है क्रिकेट की लीग की, तो इसलिए PSL को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी पिचेस, क्वालिटी बॉलर्स और बाउंड्रीज भी बड़ी होती हैं। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स IPL में अभी तक भारत के लिए कोई भी ऐसा बड़ा नाम IPL प्रोड्यूस नहीं कर सकी। सिर्फ एक नाम उमरान मलिक सामने आया है, लेकिन उसको भी अभी ग्रूम होने में काफी वक्त लगना है। उसे वापस डोमेस्टिक भेज दिया जाता है, फिर वो वापस आता है एक सीरीज खेल के, फिर उसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान सुपर लीग को अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहनवाज धानी और इसके अलावा बेशुमार ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के चंद सीजन में दिए हैं। और अभी गुजशत मैच में भी जो इहसानुल्लाह नए उभरते हुए सितारे हैं, उन्हें भी जल्द पाकिस्तानी टीम का जरूर टिकट मिलेगा। और यही वो बातें हैं जो जब भारत के सहाफी अपने मीडिया पर कहते हैं तो भारत के लोग ही उन पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, और उस तनकीद का भी वो बरमला इजहार अपने टीवी चैनल पर करते हैं और ये कहते दिखाई देते हैं कि हम पाकिस्तान सुपर लीग की क्रिकेट की वजह से तारीफ करते हैं। बेशक पैसे के लिहाज से तो IPL बहुत आगे है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दुनिया क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग कहां पर खड़ी है और कैसे उसकी तारीफ हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारे रवायती हरीफ सहाफी भी करते हैं। लोग IPL को गाली देते हैं, गलत है। IPL सबसे इजी स्केटबोर्ड होता है। हारते प्लेयर है, गाली IPL को दे दो। IPL ना आपकी क्रिकेट की ताकत है, कमजोरी नहीं है। आपने IPL को इस्तेमाल कब किया मुझे बताइए? आप IPL को इस्तेमाल करते हो, उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हो? नहीं करते हो। IPL से ये एक दीपक हुड्डा को आपने टीम में शामिल किया अभी, मतलब नाम तो कई सारे आए थे। कौन सा इंडियन प्लेयर है जो IPL अपने बूते में जिता के आया हो? नहीं, बाहर के प्लेयर आके जिता के जाते हैं। आप अगर IPL को सही तरीके से, असली तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको लगेगा पता, यस ये ताकत है। मैं पाकिस्तान सुपर लीग की बात होती है यार, मैं दो तीन साल पहले मैं कंपैरिजन मानता ही नहीं था। अब दुनिया के बड़े प्लेयर्स क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग? पाकिस्तान की टीम फाइनल खेल रही है, पाकिस्तान के क्रिकेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। आप पाकिस्तान सुपर लीग में लोग कहते थे बॉलिंग अटैक यार बड़ा जबरदस्त, मैं नहीं कहता था क्या बोलते हैं यार, लेकिन उन्होंने उस लीग को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। हमारी लीग बहुत बड़ी है, IPL का तो क्या कहते हो, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन, दुनिया आती है उसमें, वो मेला है, बट उस मेले में से कुछ निकाला भी जाए ना यार। आप प्लेयर्स को इंसेंटिव तो दीजिए, कोई आपको एक रॉ यंग टैलेंट, उमरान मलिक दिखा, उमरान मलिक को यार आपने मतलब उसके बाद तो ऐसा कर दिया कि मतलब आया और छुई मुई कर दिया। ये हारिस रऊफ जब आए थे तो उन्होंने भी तो आकर गायब हो गया, तब तो पाकिस्तान ने नहीं कहा कि रॉ आए, अभी इनको हम डोमेस्टिक मौका देते रहे, देते रहे, देते रहे। हारिस रऊफ इनके सबसे पहले पहले कुछ बात वो होती है ना कि जैसे आपकी टीम यहाँ से जाती है और पूरा देश उसके साथ होता है कि जीत के आना, जीत के आना। हम लोग मीडिया जब जाते हैं, बड़े दौरों पे जाते हैं या वर्ल्ड कप के लिए गए या कहीं गए, तो इस ख्वाब के साथ जाते हैं कि कप लेकर आएंगे। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने खेलना होता है वहां जाके कुछ करना होता है, बट बहुत से ऐसे क्रिकेट फैंस होते हैं जो ना हमारे साथ भी जुड़ जाते हैं उस सपने में। जब हम हारते हैं तो मतलब टीम हारती है तो ऐसा लगता है हम ही हार गए, हमको हारते देख के कई फैंस ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो हार गए। तो आपने इंडिया में बैठ के बात की, दुनिया की दूसरी जो है वो बड़ी लीग है, ठीक है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
पाकिस्तान सुपर लीग वाकई में अगर आप देखें, मुझे लगता है कि आईपीएल के बाद शायद सेकंड बेस्ट लीग हो सकती है। हालांकि बिग बैश लीग में भी लोग कहेंगे जी हमारी लीग बड़ी अच्छी, बट वहां पर प्रॉब्लम यह है कि करंट प्लेयर्स बहुत ज्यादा खेलती नहीं है। तो आपके पीएसएल में कम से कम पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स खेलते, दुनिया के कई और प्लेयर्स हैं जो करंट प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन इस लीग को जब आप 2-3 साल और चलाएंगे तब जाकर असली अंदाजा होगा कि कहां पर रुकती है, कहां पर खड़ी होती है। क्योंकि एक लीग होती है जो शुरू करती है और नीचे आ जाती है, एक लीग है जो कांस्टेंट रहती है, और एक लीग वो होती है जो शुरुआत करती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाती है। मुझे लगता है कि आपकी ग्रो करती है, परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान की टीम ने जो परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पर उसका असर भी दिखता है। और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी शुरू हो जाए ज्यादा, तो फिर आप देखेंगे पीएसएल में भी शायद और खिलाड़ी आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल वाकई पीएसएल सीजन दर सीजन आई थिंक इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा विक्रम जी बताएगा कि अब हम जैसे हम देखते हैं आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर जाते थे, क्या फैन फॉलोइंग थी, शोएब अख्तर का वो स्पेल जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने किया अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स, आज तक लोगों को याद है। उमर गुल खेले, हफीज खेले, कामर अकमल वहां पे जाके खेले राजस्थान रॉयल्स से, सुनील तन्वीर की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही, तो आज तक जो है वो इंडिया में भी लोग इतने दिन को मिस करते होंगे और हम भी ये चाहते हैं पाकिस्तान में कि इंडियन प्लेयर करते हैं यार मिस। वाकई में आईपीएल में जब पहले सीजन में पाकिस्तान के प्लेयर्स आए थे, बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे और आई थिंक एवरीबॉडी हैड फॉन्ड मेमोरीज, तो आईपीएल उसके बाद काफी सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन हकीकत ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट रिश्ते हैं वो नॉर्मल नहीं है, मुमकिन हो तो ही उसके बारे में बात करें। आइडियल कंडीशंस में अगर आईपीएल में आपके खिलाड़ी और पीएसएल में इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे होते तो अच्छा होता, लेकिन हकीकत ये है कि वो नहीं हो रहा। पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, 75 साल से हम देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच क्या हो रहा है, और इसका असर जो है क्रिकेट पे भी पड़ता है, जम के पड़ता है, पड़ता और है। आप जान रहे हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कई सालों से बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है। हमने आगे ये भी देखा कि पाकिस्तान में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पे बैन लगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इंडिया में खूब देखे जाते हैं, जम के लोग देखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पे। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इंडिया के टॉप 2 स्पोर्ट्स नेटवर्क में है, एक स्टार है जो अभी आईपीएल का ब्रॉडकास्ट करता है और वर्ल्ड कप के मैच होते हैं इंडिया में उसका ब्रॉडकास्ट करता है, और एक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क सोनी कंपनी पहले आईपीएल का ब्रॉडकास्ट करती थी, और अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में मैच हो या बाहर कई सारे देश हैं वहाँ मुकाबले होते हैं तो सोनी पे ही आते हैं। एक बड़ा स्पोर्ट्स नेटवर्क है सोनी का, और वो जो है इंडिया में पीएसएल के मैचों का ब्रॉडकास्ट करेगी। ये मेरा ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन क्या है कमेंट में लिख के जरूर बताइए, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया। सोनी ने पीएसएल दिखा रहा है। फ्रेंड्स जी बातें सबको पता है, पूरी दुनिया में पैसे के मामले में आईपीएल, पब्लिक के मामले में आईपीएल एंड भीड़ के मामले में आईपीएल, पब्लिक ज़्यादा है तो आप उसको नंबर 1 पे ही रखेंगे, इस लिहाज से कि वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आती है और हु हल्ला और वो क्रेज जो है, जो टशनबाजियाँ हैं और जो आपको रौनकें देखने को मिलती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं आईपीएल के अंदर। लेकिन क्वालिटी की बात आती है दूसरे नंबर पर, तो क्वालिटी हमेशा आप देखेंगे कि आपको क्वांटिटी या फिर आपको जो चमक धमक है उससे अलग चीज़ देखने को मिलती है, क्वालिटी अलग चीज़ है। क्वालिटी जो है पीएसएल को बता रहे हैं, ये पीएसएल में क्वालिटी बॉलर्स, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलता है, एक लगन, एक जज्बा देखने को मिलता है, बॉलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर कंपैरिजन किया कि पीएसएल ने क्या दिया पाकिस्तान को, आईपीएल ने क्या दिया पाकिस्तान को, सच बात है आईपीएल से कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, वो पिक किया ही नहीं इंडियन क्रिकेट ने। मुझे लगता है कि वो पिक करना चाहिए थी, चीज़ें जो उभर कर आ रही हैं, आपके टैलेंट निकल कर आ रहे हैं, आपको आपकी नज़रों में आ रहे हैं, उनको चांस दिया जाए। हारिस रऊफ को चांस दिया पाकिस्तान ने, धानी को चांस दिया, जो खिलाड़ी इसमें बताए हैं, कई सारे जो ऐसे खिलाड़ी हैं, इहसानुल्लाह एक नया बॉलर निकल गया है अब भाई पीएसएल 8 से, तो वो भी टीम में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चर्चे हैं उस बंदे के। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो इम्प्रूव कर रही हैं पाकिस्तान लीग जो है, इम्प्रूव करती हुई आ रही है कई सालों से, तो आज उसका इतना नाम हो गया कि उसकी क्वालिटी पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, इंडिया में भी हो रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप एशिया में देखें या फिर वर्ल्ड की दो लीग को देखें तो भले ही नंबर 1 पर सबसे पहले खिलाड़ी भी रखते होंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर पैसा, सुकून, आराम सब कुछ मिलता है और वो पब्लिक की चाहत भी मिलती है वहाँ पर, उनका प्यार भी मिलता है। ज़्यादा जो चीज़ मिलती है वो इंडिया में मिलती है, आईपीएल में मिलती है, जाहिर सी बात है। लेकिन क्वालिटी के लिए ही खेलने तो जा रहे हैं पीएसएल, क्वालिटी मिल रही है उनको वहाँ पर, वो क्रिकेट खेलने को मिलता है जो अंदर से उनको सेटिस्फाई करता है कि यार ये क्रिकेट मैं खेलूँगा, यहाँ पर ऐसी बोलेंगे, इसको खेलने में यार मुझे मुश्किल आ रही है और उन चीज़ों को मुझे फेस करना है, तो वो चीज़ें क्वालिटी के लिए पाकिस्तान जाते हैं लोग, विदेशी लोग। साफ सी बात है आईपीएल से कुछ भी पिक नहीं किया है, पीएसएल से बहुत सितारे निकल कर आए हैं जो
पाकिस्तान की क्रिकेट को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेकर गए हैं, क्योंकि वो नया बंदा आया है, नया टैलेंट आया है, तो उसको उन्होंने टीम में मौका दिया है और उसने कुछ करके दिखाया है दूसरी विदेशी टीमों के खिलाफ। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, क्वालिटी वर्सेस पैसा आप कंपेयर करें अगर, तो क्वालिटी ESL दम रखता है भाई क्वालिटी में, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो मैं भी कहता हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, किस तरीके से आपको लगता है कि PSL बेटर है या फिर IPL बेटर है, जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।